हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमानीज किचन। आज हम बनाएंगे शकरकंद की फ्रेंच फ्राइज और उसके साथ पराली चटनी। शकरकंद में B12 अधिक मात्रा में होता है और आजकल कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ये शकरकंद खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस तरह से बनाई हुई फ्राइज उनको पसंद आएगी। तो यहाँ पर ये दोनों मेरे बच्चे हैं जिनको शकरकंद खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस तरह से बनाई हुई फ्राइज इन दोनों को भी बहुत पसंद आई है। तो आप भी इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो जनरली हम आलू की फ्रेंच फ्राइज को टोमेटो केचप के साथ सर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह शकरकंद की फ्रेंच फ्राइज मैंने फराली चटनी के साथ सर्व की है, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर आप फ्राइज का टेक्सचर देख सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस शकरकंद की फ्रेंच फ्राइज पराली चटनी कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो की फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम शकरकंद लिए हैं और इसे अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी जो छाल है वो इससे अलग कर देंगे। इसी तरह से हमें सारे शकरकंद की जो स्किन है उसे रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सारे शकरकंद को अच्छी तरह से छीन लिया है और पानी से धो लिया है। तो अब हम शकरकंद की फ्राइज को कट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो थोड़ी सी स्किन उस पर रह गई है तो इसे हम रिमूव कर देंगे। और शकरकंद साइज में बड़ा होता है, इसीलिए हम बीच में से पहले इसे कट करेंगे और फिर इसे इस तरह से हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर लंबे शेप में इस तरह से हमें फ्राइज को कट करना है। हमें फ्राइज को थोड़ी ठीक ही रखनी है, बहुत पतली इसे कट नहीं करनी है। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ उसी तरह से आपको ये सारी फ्राइज कट कर लेनी है। अगर आप फ्राइज को कट करने के लिए चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह से फ्राइज को कट करनी होगी, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो इस तरह से आपको लंबे शेप में और थोड़ी सी थिक इस तरह से फ्राइज को कट करना है। तो यहाँ पर ये सारी फ्राइज कट हो चुकी है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये शकरकंद की फ्राइज को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो इस तरह से हम फ्राइज इसमें ऐड करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इस फ्राइज को बाहर निकाल लेंगे। हमें इसे पूरी तरह से फ्राई नहीं करना है, हमें इसे 50% ही फ्राई करना है और इसे इस तरह से निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम बाकी की फ्राइज को तल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारी फ्राइज को तल लिया है, तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। फ्राइज को हम ठंडा हो जाने देंगे। जब ये फ्राइज ठंडी हो जाएगी हम इसे दूसरी बार फ्राई करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो जब तक हमारी फ्राइज ठंडी हो रही है तब तक हम यहाँ पर फराली चटनी बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कच्चे पीनट्स लिए हैं। अगर आपको रोस्ट करके पसंद हो तो आप रोस्ट करके भी ले सकते हो। 2 चम्मच मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, 10 से 12 मैंने करी लीव्स ली है, यहाँ पर 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 1 मैंने ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च ली है और 1/2 कप मैंने कोरिएंडर लीव्स लिया है यानी कि धनिया पत्ता लिया है।
तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को मिक्सचर जार में ले लिया है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच सेंधा नमक यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फराली चटनी है इसीलिए सेंधा नमक ही यूज़ करें। उसके बाद 1 चम्मच शुगर ऐड करें और 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करें, और उसके बाद 2 से 3 चम्मच जितना हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, लेकिन मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है इसीलिए मैं 3 से 4 चम्मच पानी और ऐड करूँगी और इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद हमारी चटनी ग्राइंड होकर बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर हमारी फराली चटनी सर्विंग के लिए रेडी है। आप इसको फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो चटनी हमारी रेडी है और फ्राइज हमारी ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसे दूसरी बार फ्राई कर लेंगे। तो दूसरी बार फ्राई करने के लिए तेल हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम फ्राइज को ऐड कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। तो जब भी आप दूसरी बार इस फ्राइज को फ्राई करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और हाई फ्लेम पर आप इसे फ्राई कीजिए ताकि ये क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि फ्राइज बिल्कुल बढ़िया फ्राई होकर तैयार है, कलर भी इसका बहुत अच्छा आ गया है। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारी फ्राइज को तल लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी बाकी की फ्राइज भी मैंने तलकर रेडी कर ली है। इसे हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी फ्राइज तलकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वाद अनुसार सेंधा नमक इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। और यहाँ पर ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे उसके लिए मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारी फराली चटनी और शकरकंद की फ्रेंच फ्राइज बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है, तो आप भी इस तरह से शकरकंद की फ्रेंच फ्राइज और चटनी की रेसिपी ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे रेसिपी वीडियो के नीचे दिए गए हुए लाइक का बटन क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।